YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत हाथडी गांव में वन विभाग के तत्वावधान में 69वां वन महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान पौधारोपण के साथ वनों की सुरक्षा के प्रति समिति सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया। शनिवार को आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लातेहार DFO प्रकाश कम्बोज उपस्थित थे। महोत्सव आगामी 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सोलर एनर्जी आधारित 5000 लीटर क्षमता वाले पेयजल संयंत्र भी ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा महोत्सव के दौरान फलदार और गैर फलदार 41,000 पौधों का रोपण स्कूली बच्चों के सहयोग से किया गया। वहीं 25 सिलाई मशीन महिला समूहों के बीच बांटे गए। 69वां वन महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव 2 जुलाई से 2 अगस्त तक पूरे झारखंड राज्य में चलाया जा रहा है और हाथी वन क्षेत्र में हम लोग हाथी जो हमारे बालूमाथ वन क्षेत्र में आता है यहाँ हम लोग 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन कर रहे हैं। आज इसका उद्घाटन समारोह हो रहा है और उसके बाद हम लोग पूरे 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन करेंगे। वन महोत्सव मनाने का क्या उद्देश्य है सर? वन महोत्सव 1950 से पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं उन्हें जागरूक करना और अपने घर, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने कार्यालयों में पेड़ लगाना। क्षेत्रवासियों को वन के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि पेड़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बहुत सारी सेवाएं देते हैं, इसलिए आप इन्हें बचाइए और वन महोत्सव समय कम से कम 5 पौधे लगाइए। थैंक यू सर।